लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे तो पसंद है, सुंदर है, अच्छे वंश की है, उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं, शायद 14 वर्ष की होगी। देखो तुम लोगों को पसंद आती है कि नहीं। इसका बाप क्या काम करता है? डॉक्टर है बुआ। यहाँ से 20 मील पर पलाशपुर शहर है ना, वहीं पर प्रैक्टिस करता है। काफी नाम है, अच्छे खाते पीते लोग। लेन देन की तो बात पक्की कर ली होगी। कोई दे भी तो हम कहाँ लेने वाले हैं बुआ। क्यों? घर में अच्छी बहू आ जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये लेन देन की बात बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। हाँ तुम लोगों को क्यों पसंद आएगा, नए जमाने के हो ना, अभी तो पता नहीं क्या क्या मुझे देखना है। खैर वो सब देखा जाएगा बुआ, अगर तुम लोगों को पसंद है तो बता दो, लड़की वालों को लिख दें, इसी महीने को अच्छा दिन देख कर शादी पक्की कर देंगे। मनोहर काका मिलने आए हैं। ओह अच्छा अच्छा, सुनो तस्वीर को संभाल कर रखना, कोई दाग वाग नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। अरे बेटी इसे तो लेती जा, ऊपर कमरे में रख देना। अरे सुन चाबी तो लेती जा। शादी क्या हुई है कि छोकरी की चाल ही बदल गई, जब देखो हवा में उड़ती रहती है। अरे वाह। सिया रे क्रे 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 सिया रे क्रे
लेना, शाम को सुनूंगा। लताम लते लता लता लते बम लते बी लते लते बम लते बर लता लते बम लते बर लता लते लते नाम लताम लते लता शू हेलते 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 लताम लते लता लताम लते लता लता लते बम लते बी लताम लते लता 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 दादा तुझे एक चीज दिखाऊं तो क्या देगा? कौन सी चीज? पहले बता क्या देगा। दूंगा क्या, तेरे कान खींच दूंगा। अरे जाजा, देखेगा तो चक्कर खा जाएगा। क्या है बता ना। सोच क्या हो सकता है। अचार? हाँ ले चाट। छूना मत, घिस जाएगी। किसकी फोटो? अभी कैसे बता दूं? पहले सबको पसंद आ जाए, हम सब अच्छी तरह देख समझ लें, फिर कहीं जाकर क्या होगा। आह बिल्कुल भोलूराम है, जैसे मालूम ही नहीं अगले महीने क्या होने वाला है। हट। क्यों, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और मुझसे कहता हट। तू भाग यहाँ से, मुझे पढ़ना है। हाँ। नारी नरियो नारियो नरियो नरियो नारी नरिया निर्भम नरिभी नरिया निर्भम नरिभ नरिया निर्भम नरिभ नरिया निर्भम नरिभ नरिया नरियो नारी छोड़ जाती कि नहीं। नारी नरियो नारियो नरियम नरियो नारी नरिया निर्भम नरिभ नरिया निर्भम नरिभ नरिया निर्भम नरिभ नरिया निर्भम नरिभ नरिभम नरिभम पिम पुम पुम पम प प पम पिम पुम पुम पम प प पम पिताजी अभी तक नहीं आए। बस आते होंगे, कहा तो था 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन तुम यहाँ अकेले खड़े क्या कर रहे हो? नीचे जाओ, लोगों से मिलो जुलो। जी अभी जाता हूँ। गहने, साड़ियाँ, सिंदूर, मिठाइयाँ, फल, ब्राह्मण की धोती, नाई का अंगोछा, सब ठीक है ना मास्टर जी? हाँ ठीक है। तो फिर आप ये सब लेकर निकल पड़िए, शाम होने से पहले ही पहुँच जाएंगे। अच्छा अच्छा। क्या बात है अमल बाबू, क्या हुआ? देखिए ना, इतनी हल्दी भरी कि अभी तक आंखें जल रही है। देखिए देखिए, प्यार की शुरुआत है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए, होता है क्या? क्या मतलब? ये तो नमूना है अमल बाबू, ससुराल में देखिएगा क्या होता है। दही में शक्कर की जगह चूना, पान में मसाले की जगह मिर्ची, मेरी हालत देखिए। शादी का जुर्माना। अरे ये तो बुरी तरह कटी है। सालियां कितनी है जी? सालियां सिस्टर इन लॉ कितनी है जी? वो पता नहीं। अरे बिना पता किए ही शादी करने चल दिए? बीवी का नाम तो मालूम है। हाँ। क्या है,
रजनी। और प्यार का नाम? वो नहीं मालूम। नहीं मालूम? अरे रे रे धत तेरे की, बिल्कुल बुद्धू है। खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपका। उसका नाम है चीनी। हुँ? चीनी, शक्कर, मीठी। क्या मीठा लगता है ना? हाँ, लेकिन डर लग रहा है। डर? जी हाँ, देखिए ना, धक 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 धक, कल से ऐसा ही हो रहा है। वेरी नेचुरल, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर? कुछ नहीं, जरा सी भी घबराहट हो ठंडा पानी पी लेना, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। और फिर कुछ ऐसी वैसी बात हुई तो मैं संभाल लूंगा, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। सच? ऑफ कोर्स। अरे डोली में सवार सजनी का प्यार, चलो रे कहा चलो चलो सुपार। हुम हुम ना, हुम 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 ना, हुम हुम ना, हुम 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 ना। अरे डोली में सवार सजनी का प्यार, चलो रे कहा चलो चलो सुपार। कहा बोरी के द्वार। हुम हुम ना, हुम 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 ना, हुम हुम ना, हुम पर तक नहीं जाना तुम। तुम घूमना, तुम तुम घूमना, ओ नहीं है डर कहीं को ना जाना तुम। तुम घूमना, तुम तुम घूमना, ओ डोली में सवार सजनी का प्यार, चलो रे कहा चलो चलो सुपार। कहा भोरी के द्वार। अहूं 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 अहूं, लेके नाम मिल के उठाओ पाओ, दूर है बहुत दूर, रास्ते पे पेड़ खड़े हैं गुमसुम। घूम घूम ना, घूम 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 ना, घूम घूम ना, घूम 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 ना। अरे पीपल के नीचे से, पनघट के पीछे से, पल के नीचे से, पनघट के पीछे से, अरे आम के बगीचे से, चलो जैसे चले गजरा झुम झुम। घूम घूम ना, घूम 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 ना, घूम घूम ना, घूम 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 ना। हल्की सवारी है, भारी है, भारी है, दूल्हा साला भारी है। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ओ भाभी, है दूल्हा देखना है, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आओ जल्दी चलो जल्दी, पहले रात की तैयारी है। दूर कोई डमरू बजाए डुम डुम। घूम घूम ना, घूम घूम ना, घूम घूम ना, घूम घूम ना। अरे पालकी में राजा है, आके बैंड बाजा है। पालकी में राजा है, आके बैंड बाजा है, हमसे अकड़ मत कुत्ते की दू। घूम घूम ना, घूम 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 ना, अहूं 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 अहूं। सुन बात खोल नैना, अहूं ना अहूं, बोली तोते से मैना। हाहाकार मची भागी रावण की सेना, हाहाकार मची भागी रावण की सेना, वन में घुमाई हनुमान जी ने दुम। घूम घूम ना, घूम 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 ना, घूम घूम ना, घूम 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 ना। नट खट हर जाई बड़े कृष्ण गनाई, जमुना की तट पर बंसी बजाई, नाच उठी राजा छननुम छननुम। घूम घूम ना, घूम घूम ना, घूम घूम ना, घूम 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 ना, घूम घूम ना, घूम 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 ना, घूम घूम ना, घूम घूम घूम। Thank you.
ठहरिए, धोखा मत खा जाइएगा। दूल्हा मैं नहीं हूँ, दूल्हा ये है। तो फिर आप कौन है? दूल्हा के पिट्ठू? जी नहीं, अपनी बीवी का मिट्ठू। लड़कियाँ नीचे जाओ, दूल्हा आ गया। हाँ दूल्हा आ गया, चलो। अरे जल्दी जाना। अरे ये कौन है? मेरी गुड़िया है? तू तो एकदम रानी लग रही रे, जरा देखूं तो। अभी क्या इधर आ? क्यों, क्या है? आ ना ले, खा ले। लड्डू? हाँ जल्दी से खा ले। खाने से कुछ होगा तो नहीं? होगा क्या? तो फिर सब क्यों कहते हैं कि शादी के दिन कुछ नहीं खाना चाहिए? अरे सब कहते हैं, लेकिन सभी खाते हैं छुप छुप के। तेरे बाप ने भी खाया था। दासू दादा, क्या है? तुमने दूल्हा देखा है? हाँ। कैसा है? बहुत अच्छा है। मुन्नी के दूल्हे से भी अच्छा? अरे उससे भी कहीं अच्छा। तो फिर सब क्यों कहते हैं कि रंग इतना साफ नहीं? रंग? अरे रंग से क्या होता है, मन साफ होना चाहिए। ले एक और खा ले। हाँ भाई शुरू करो। अमल और रजनी के प्यार का सहरा, वाह, ये रंग बिरंगे फूलों के हार का सहरा है। अमल और रजनी के प्यार का सहरा है। कितनी खुशी की है घड़ी, कैसी प्यारी बात। आज रजनी के द्वार आई अमल की बारात। नजरें मिलके झुक रही हैं, हाथों में है हाथ। आज से दो जन रहेंगे मिलके एक साथ। ये दो दिनों के तारों की झंकार का सहरा है। जी अमल और रजनी के प्यार का सहरा है। रजनी जिसे प्यार से हम सब कहें चीनी, चीनी चमके यूं घूंघट में जो बादल में चांदनी। छिपा रही होंठों पे मुस्कान भीनी 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 भीनी। शर्मीली आँखों में है सपनों की रंगीनी। ये दुल्हन के 16 श्रृंगार का सहरा है। जी अमल और रजनी के प्यार का सहरा है। हाय अमल, हाय अमल। ओ हो, साइलेंस एवरीबॉडी। आगे फरमाइए। इतना और कहेंगे तुमसे दूल्हा भाई, कही, कही, हमारी कही। चीनी तो है खोए चीनी की मिठाई। चीनी की मिठाई, प्यार की धूप में है ये कली खिलाई। इस पे ना आए कभी दुख की परछाई। नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये प्यार के मौसम सदा बहार का सहरा है। जी अमल और रजनी के प्यार का सहरा है। लेखिका नलिनी दीदी। ये कौन है? जी हमारी बुआ की लड़की। और आप? दुल्हन के ताऊ के बेटे, यानी उसका बड़ा भाई। हम दूल्हा के बहनोई। जरा शकल दिखाइए, शकल दिखाइए। अपनी नहीं, खाली। लीजिए लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। अरे ओ देवियों, दूल्हा देखना हो तो अंदर तशरीफ लाइए, बाहर क्यों खड़ी है? शर्मा गई। तुम एक दूसरे से माला आदान प्रदान करो। अमल चल माला पहना दे। अरे इसमें डरने की क्या बात है? चीयर अप, चीयर अप। पहना दे, पहना दे। हाँ हाँ, पहना पहना पहना। अब सीधा खड़ा हो जा। ये तन के तन। सॉरी सॉरी। अब कन्या वर के गले में माला पहनाएगी। सुना कुछ? जल्दी से माला पहनाइए। ईच नहीं, जल्दी कर। क्या हुआ? ईच
कुछ नहीं। अरे बहरी है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हिलती क्यों नहीं? सोच रही है बंदर के गले में माला लगेगी कैसी। अच्छा जी हाँ, पर अब दरवाजे पर आ ही गया तो चल पहना दे, चल चल जल्दी कर। झुकाले झुकाले सिर झुकाले अमल। अरे ऐसे मौके पर तो सभी को सिर झुकाना पड़ता है। अरे अरे ये क्या, ये लड़की तो अभी से दूल्हे के कान पकड़ने लगी। पकड़े, अब तो सारी जिंदगी कान पकड़ ही रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ये कान नहीं, ये कान तो दूसरी जगह गिरवी है। अब शुभ दृष्टि पर वधु एक दूसरे की ओर देखो। हे अमल, शुभ दृष्टि देख 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 देख। अरे नैन से नैन मिला, देख 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 ना। मैं तो डर के मारे रो दिया था। मैंने तो आंखें नहीं खोली। क्या हुआ, ये देखती क्यों नहीं? इतनी देख ना, इतनी मेरे ख्याल में लड़की भेंगी है। बिल्कुल नहीं, इतनी बुद्धू की तरह क्या खड़ी है, देखना ऊपर देखना। महंगी नहीं है, महंगी नहीं। मम पुतेते हृदयं दधातु दधातु मम चित्तं मम चित्तं तव चित्तं तव चित्तं संतु संतु। क्या हुआ, एक भी मंत्र सही नहीं बोल रहा है। मम चित्तं तव चित्तं संतु, कहां से लाए हैं ये जंतु? अरे ये दूल्हा तो दुल्हन के पीछे पीछे घूम रहा है। अरे घूमने लगी तो क्या करे, शक्ल तो देखो बिल्कुल गोबर गणेश लगता है। शायद गूंगा भी है, अभी तक एक बात भी नहीं की। जरा मुंह तो खोलो मेरे भाई। क्यों? ये तो बोलता भी है, तो इतनी देर बुद्धू की तरफ चुपचाप क्यों बैठे थे? और क्या करता, कब से आप लोग न जाने मुझे क्या क्या कह रहे हैं। क्यों, क्या कहा हम लोगों ने? कभी गोबर गणेश, कभी गूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये तो बहुत समझदार है। हाँ तो समझदार जी, एक पहेली तो बूझिए। वो कौन सी चीज है जिसे मामा भी मामा कहे, बाप भी कहे मामा, लड़का भी मामा कहे और माँ भी कहे मामा? नहीं समझे? मामा भी मामा कहे, बाप भी कहे मामा, लड़का भी मामा कहे और माँ भी कहे मामा। मामा भी मामा कहे? हाँ। बाप भी कहे मामा? हाँ। लड़का भी मामा कहे? हाँ। और माँ भी कहे मामा? हाँ बाबा हाँ, अब तो बोलो क्या है। ओ, इतना भी नहीं जानता? अरे चांद 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 को सब लोग चंदा मामा नहीं कहते? तो जाकर जल्दी से उसके कान में कह दो, जल्दी जल्दी जल्दी। वाह समझदार जी, नहीं बता सके ना। अच्छा दूसरी बताओ, वो कौन सी चीज है जो काटने से बड़ी होती है? क्या? वो कौन सी चीज है जो काटने से बड़ी होती है? काटने से बड़ी होती है? हाँ। ये कैसे मुमकिन है, काटने से तो हर चीज छोटी होती है। जो कैसा बुद्धू राम है, तालाब 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 काटने से बड़ा होता है या नहीं? अरे हाँ। तो फिर अच्छा तो ये पहेली बताइए, आती है जाती है सूखी लकड़ी खाती है। आती है जाती है सूखी लकड़ी खाती है। अरे हाँ, ये तो मुझे मालूम है, मेरी माँ एक दिन मौसी से पूछ रही थी तब मैंने सुन लिया था। इसका मतलब है आरी, जिसे लकड़ी काटते हैं। शुक्र है कुछ तो बताया इसने। एमनीशन। अच्छा अब दूसरी पहेली बूझिए, वो कौन सी चीज है जो लात खाने से ही काम करती है? ए क्या? लात खाने से ही काम करती है? जी हाँ, लात खाने से ही काम करती है।
कुछ काम किया आपके दिमाग में? ठहरिए, अरे ठहरिए ठहरिए, मैं बताता हूँ। अकेला पाकर घेर लिया था सबने बेचारे को, अब आ जाइए सबके सब जरा मैदान में। हाँ जी, क्या पूछ रही थी आप? वो कौन सी चीज है जो लात मारने से ही काम करती है? जी बताइए। वो चीज है ढेकी, जिससे धान कूटा जाता है। अरे जब ढेकी को लात मारते तभी वो काम करती है कि नहीं? अब जरा मेरी पहेली बताइए। चंदा जैसा रूप है उसका, चांदी जैसा रंग, बिना पाँव के चलता रहता उसके बिना सब तंग। क्या बोली? बोली बोलिए, नहीं बता सकती ना? अरे तो हम बता देते हैं, रुपया। दूसरी बताइए। एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक चले एक बैठा रहे, फिर भी दोनों संग। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे ये भी नहीं आता आपको? इनको बताई दें। हाँ बता दे, कोई बात नहीं। हाँ, चक्की। अब ये बताइए, एक नारी वो गोली खाए, जिस पर थूके वो मर जाए। बंदूक। रात होने से आता है, सुबह होने से जाता है। बोलो। सितारे। अब ये बताइए, खाट पे खाट है, ठाट पे ठाट है, लट्टू पे लट्टू, टट्टू पे टट्टू, सिर पर मटका, कमर में झटका, चले फटाफट लड़े का डाका, डा 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 डा। गोलीबारी हो रही है। अब ये बताइए। बाबा बस करो बस करो। तो फिर आप हार मानती हैं? मानती हूँ। जरा एक बार फिर से बोलिए। मानती हूँ बाबा, मानती हूँ। जोर से बोलिए। मानती हूँ, मानती हूँ, मानती हूँ। तो फिर हिप 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 हिप। कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे एक बात याद आ गई थी। कौन सी बात? वो अमल से ही कह दूं तो? सब बहाने। नहीं नहीं, मेरी कसम मेरी कसम। तो जाइए, कीजिए बस, जाइए ना। उधर कहाँ? इधर सुनो सुनो,
वो होशियार है ना, बिल्कुल क्वीन विक्टोरिया है। डरना नहीं, थोड़ा अकल से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या नहीं समझे? अच्छा एक गुरु मंत्र याद कर लो। क्या? अगर देखो है कि बहुत मुंह चला रही है तो तुम भी अरे विश्वास नहीं हो तो आज रात को भी ट्राई करके देख लेना। हिम्मत। अच्छा मैं चलता हूँ। चलता हूँ। अंग्रेजी में क्या कहा? कुछ नहीं। दरवाजा बंद कर दो। बाप रे, वो क्या है? कुछ नहीं, पेड़। किसका? आम का। खट्टे या मीठे? कच्चे तो खट्टे, पक्के तो मीठे। ओहो, जैसे तुम सब जानते हो। अरे मैं तो भूल ही गई। क्या? माँ ने कहा था तुले को प्रणाम करना, भाभी ने भी कहा था, एकदम भूल गई। नहीं नहीं रहने दो, रहने दो। क्यों रहने दो, मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? अरे क्या हुआ? तुम्हारी धोती पर सिंदूर लग गया। तुम्हारी बिंदिया भी खराब हो गई। हाँ लो ठीक कर दो। अच्छा सा रेलगाड़ी। तुम रोज रेलगाड़ी देखते हो? हाँ। देखो चांदनी रात में रेलगाड़ी कैसे चमाचम लगती है। वो क्या है? वायलिन। मास्टर जी बजा रहे। तुम्हारे मास्टर जी? हाँ।
नींद आ रही है? मुझे भी। अरे गोली मारो नींद को, ऐसी सुहानी रात में कोई सो सकता है? बाहर उस चांद की तरफ देखकर, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, अंदर इस चांद की तरफ देखकर जी चाहता है कुछ शायरी करो। तेरे नैनो की खिड़की से ये मुझको कौन बुलाता है? आ, क्या चीज है पोएट्री। चांदनी इशारा करती है और चांद सितार बजाता है। पागलपन में कुछ कर बैठूं तो दोषी मुझको मत कहना। इस ब्यूटीफुल मंजर के आगे किसका बस चल पाता है? तेरी आंखों में डूबूं या तेरी पलकों से खेल करूं, या खो जाऊं तेरी जुल्फों के जंगल में, या अपना दिल रख दूं तेरे कोमल पैरों के नीचे। अब शुरू कहां से हो जाऊं ये नहीं समझ में आता है। इस ब्यूटीफुल मंजर के आगे किसका बस चल पाता है? भगवान बहुत अच्छा है, नारी क्या चीज बनाई है, इसको कोई समझ न पाया है, सब दुनिया चक्कर खाई है। अरे ये चक्कर ही तो सब कुछ है, बाकी तो आता जाता है। वो यौवन चुल्लू में लाई, ये उल्लू शेर सुनाता है। इस ब्यूटीफुल मंजर के आगे किसका बस चल पाता है? भूल जाओ सब तारों, फूलों को, बहारों को, और याद करो पहला चुंबन, जो आग भी था और शीतल भी। अब तो बस तुम हो, रूप तेरा, यौवन तेरा, मस्ती तेरी। अब तो बस मेरी सांसें हैं तेरी पलकों को सेक रही। बस दो शरीर हो जाएं एक, दिल इतनी बात मनाता है। इस ब्यूटीफुल मंजर के आगे किसका बस चलता है? तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? नहीं तो क्यों? भाभी ने कहा था सोने से पहले अपने दूल्हे से पूछना चाहिए, अगर हाँ कहे तो धीरे धीरे दवा देना, कहूँ हाँ? तुम तो सब कुछ सीख के आई हो। और नहीं तो क्या, तुम्हारी तरह यानी बुद्धू की तरह ससुराल पहुँच गए, न किसी से बात कर सके, न किसी की बात का जवाब दे सके। उस दिन मुझे भूख लग गई थी। अच्छा आज तो खाना खा लिया है ना? बुझो एक पहेली। कहना नहीं जानता। बड़ा साफ तन है, बड़ा मीठा मन है, थोना मत पानी में खोना मत। बोलो क्या? मुझे नहीं मालूम। अरे ये भी नहीं मालूम? नहीं। फिर तुम ठेंगा पास हो गए। ठीक है ठीक है। अच्छा मैं तो पता देखती हूँ, वो इसी कमरे में है। कह तो दिया नहीं मालूम। तुम्हारे पास ही है। कहाँ? मैं क्यों बताऊँ? बड़ा साफ तन है, बड़ा मीठा मन है, थोना मत पानी में खोना मत। बोलो क्या? कहाँ? खिड़की में? नहीं। हाँ मेज पर। फिर कहाँ हो सकता है? मैं क्यों बताऊँ? देख सको तो देख लो। चीनी
पैर में गुदगुदाया क्यों? मैंने नहीं तो माँ सुबह सुबह झूठ। तुम मेरे तरफ पैर पकड़ के सोई थी? सच्ची? हे राम, छी छी, मेरे पैर में फोड़ा होगा, तुम्हारे बदन में लगे तो नहीं? मेरा सोना ही ऐसा है, माँ बुआ सब ने कहा था देखो पति को पैर न लगे, पर वही हुआ। ए जो अपने पैर नीचे करो। क्यों? मैं प्रणाम कर लो। छोड़ो बेकार बात है। नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा। कुछ नहीं होगा। हाँ जैसे तुम सब जानते हो। जगत मुसाफिर खाना लगा है आना जाना। श्रीदास बाबा, 5:30 बज गए। चांद छुपे तो सूरज निकले, सूरज डूबे हो जाए शाम। चांद छुपे तो सूरज निकले, सूरज डूबे हो जाए शाम। रुत आए रुत जाए मौसम, आने जाने के है नाम। ओ जोगी किसका कौन ठिकाना लगा है आना जाना। उधर जाओ। क्यों? जाओ ना, दोनों को साथ देखेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। लेकिन दरवाजा? मैं खोल दूंगी दरवाजा, जल्दी से जाओ। जाओ। छोटा 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 गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी उठ जाती है? अमर तो शायद अभी तक सो रहा है। जी हाँ जी हाँ, मुझे बुद्धू समझती हैं, जैसे मैंने दरवाजे के छेद में से कुछ देखा ही नहीं। जी हाँ। खाना पकाना आता है? हाँ। क्या क्या? दाल भात तरकारी। और सरसों का साग? सीख लिया। क्यों? भैया को बहुत पसंद है। होने दो। होने दो? होने दो का क्या मतलब? पति की पसंद जानना चाहिए। ऐ, रात को नींद पूरी नहीं हुई क्या? कौन कहता है? तो फिर? कुछ नहीं। ऐ, ओ, रात को नींद पूरी नहीं हुई क्या? कौन कहता है? अरे सुन। क्या? अगर इनके पान में नमक की डली रख दी तो? हाँ, मजा आ जाएगा। फिर तो पान में रखना। दो क्यों? और भी तो कोई पान खाएगा। कौन है? अरे माँ जी, ओ माँ जी। कौन? शंभू। आओ आओ। छोटे बाबू का शादी में हम गांव में नहीं थे, अब आए बहू रानी का गाना सुनाई पे। ठहरना जरा, ठहरना शंभू भैया, अभी आए। हे भगवान, ये क्या पोशाक पहन रखी है तूने? पहले तो कभी नहीं देखी। ये नहीं है दादी माँ, करीमगंज के मेले में ली थी।
ई पहन के जब हम नाचित है तो अच्छे नाचन के दिल पे चाकू चलत है। सुन लिया, ये आई है हमारे दिल पर चाकू चलन। का कहत हो दादी माँ, अभी तो हर उम्र ही का है। चुप रह। अरे ओ रबिया, बकबक बंद कर और झटपट झटपट नाच दिखा। अरे तो निकल, तेरा डब्बार हो जा शुरू। ओ झुमके वाली, झुमके वाली, ओ ठुमके वाली, बोलो, ओ झुमके वाली हो, ओ ठुमके वाली हो, जरा चल के बता कैसी तेरी चाल। ओ झुमके वाली हो, ओ ठुमके वाली हो, जरा चल के बता कैसी तेरी चाल। सताएगी तू मुझे, मैं भेज दूंगा मैं के तुझे। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, जो यूं सताएगी तू मुझे, मैं भेज दूंगा मैं के तुझे। बदनामी करेगा कौन, सबने तो तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है। चलते हो, मालूम है पिताजी ने क्या कहा है? क्या कहा है? शनिवार को तुम मुझे मेरे घर पहुंचाओगे। शनिवार को?
हाँ फिर मैं वहाँ बहुत दिन आराम से रहूंगी, बड़ा मजा आएगा। ठीक है तो तुम अकेली जाना, मैं पहुँचाना नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाओगे? शादी के बाद पहली बार दोनों को साथ साथ जाना चाहिए, इतना भी नहीं जानते? हाँ हाँ नहीं जानता। मगर तुम जाओगे क्यों नहीं? मैं क्यों जाऊँ? तुम अपने माँ बाप के पास मौज करोगे और मैं? सच्ची मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही कि तुम समझ नहीं पाओगे। तुम एक सेल्फिश जायंट हो। क्या क्या कहा अंग्रेजी में? कुछ नहीं। ठीक है तुम जाओ, लेकिन वहाँ किसी से मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगी। कैसे बातें करते हो, मुझे लाश नहीं आएगी क्या? मेरे बारे में सोचोगी भी नहीं? सोचने का समय ही कहाँ मिलेगा? मुझे भी नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है। साढ़े दस बज गए, देखो तो दासू जमाई बाबू तैयार हुए कि नहीं। अभी देखता हूँ। हाँ जाओ जल्दी। दो चार दिन रुक जाते तो अच्छे ही था बेटा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा पास है इसलिए। गुदगुदी क्यों कर रहे हो? देरी हो रही बेटी नंदनी, गाड़ी का समय हो गया। मैं सामान लेकर चलता हूँ। तुम जल्दी आओ। पहुँचते ही चिट्ठी लिखना बेटे। ए बुद्धू उधर किधर, उससे मिलके नहीं जाओगे? रहने दीजिए। रहने दीजिए, चल चल मेरे साथ। क्या हुआ? एक मिनट चाचा जी, आप चलिए हम अब भी आते हैं, अब भी। मैं जा रहा हूं। ठीक से रहना, ठीक से लिखना पढ़ना। ठीक है ठीक है। ये लो। ये क्या है? रुमाल। स्कूल में जब पसीना आए तो पोंछ लेना। अच्छा नहीं है ना? मास्टर जी, उसी हरिपुर स्कूल में आपका विद्यार्थी। विद्यार्थी वही जिसने क्लास में एक बार गाना गाया था,
आपने बहुत मारा था, फिर मुझे बुखार आ गया। ओ, हाँ हाँ रमेश, तूने क्या हालत बना ली? सब बताता हूँ, पहले कुछ खाना मिल सकता है? दो दिन से कुछ खाया नहीं। ओ, आओ, आओ, मेरे साथ आओ, उठो, आओ, आओ बेटा, यार, आओ। कभी गुजरो मिल के जाना। सुनो बेटा, अपना ध्यान रखना। Thank you.
तमाशा देखा जा रहा है, तमाशा। नोट कर लिया? जो होमवर्क मैंने गर्मी की छुट्टियों के लिए दिया है उसे नोट कर लिया कि नहीं? यस सर। फिर से नोट करो, अगर किसी ने भी जरा सी गलती की तो मैं मार मार के तंबू बना दूंगा। लातों के भूत। लिखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ट्राइज ए बी। चिट्ठी। लगता है बहुत जोर से पढ़ाई चल रही है, तभी इतने दुबले हो गए हो। माँ, वो तो और भी बहुत सी चीजें दे रहे थे। अच्छा? हाँ, बड़ी मुश्किल से रोका। मैंने कहा वहाँ जो है वही खत्म नहीं हो पाता। हाँ, मालूम है, बहुत बड़ी ससुराल मिली है। हम सबका भूल नहीं था ना। राधा, नहाने का पानी रखा? भाई अमल, परीक्षा पास है तभी नहीं आ सका। कैसे हो ये तो बताओ कि रजनी बिन विरह रजनी कैसी कट रही है। तुम्हारा शरत। मास्टर जी। क्या है बेटा? आजादी का क्या मतलब है? आजादी अभी तक हम पर दूसरों का राज है। किसका? अंग्रेजों का। हमें उनसे आजाद होना है। क्यों? बहुत सी बातें हैं बेटा, बड़े होकर खुद ही समझ जाओगे। अमल जी, ट्रांसलेशन ठीक से करना जी। सुबह आकर देखूंगा जी। अरे इतनी बड़ी हो गई, मैंने तो पहचाना ही नहीं था। जी तीरो, कब आई ससुराल से? सुबह। अच्छा। एक अमल, माँ तुझे खाने को बुला रही है, जा। और मुझे? मैं भी। ए भैया, एक बात सुन। बोल। मेरा एक काम करेगा? क्या काम रे? पहले बोल, कर देगा ना? अरे बता तो सही क्या काम है। इसे डाक में कल सुबह श्रीमान अच्छा एक नहीं दूंगी। तो ये सब चल रहा है आजकल? ठीक है, रहने दो। अच्छा दे। ये नहीं वो। क्या चाचा? हाँ? कुछ
कोई चिट्ठी नहीं? अरे हाँ, अमल की एक चिट्ठी थी, अभी अभी ले गया। चिट्ठी क्यों पढ़ा है? कौन कहता है तेरी है? इस पे तो मेरा नाम लिखा है। देख, मेरा नाम लिखा है? तेरा नहीं तो क्या मेरा नाम लिखेंगे? गुड्डू कहता। प्रियतमा चंद्रा, प्रियतमा चंद्रा, प्रियतमा चंद्रा, इतनी रात हो गई अभी तक सोया नहीं? जा सो जा। चिनी, ए चिनी, ए चिट्ठी किसने लिखी है? क्या पता, शायद सास की होगी, देख लेना। ला, ये लो। बस हाँ, इसके बाद नहीं, मैं रोज रोज तेरी चिट्ठी नहीं डाल सकता। क्यों? मुझे और काम नहीं है क्या? परीक्षा सर पर सवार है। ऐसा या जलन? मैं क्यों जलने लगा? सोच लो, 7 दिन हो गए, अभी तक चिट्ठी का जवाब नहीं आया। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। हाँ, रोज रोज चिट्ठी लिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गुड बॉय। मैंने तुझसे लिख भी दिया है कि मुझे चिट्ठी विट्ठी ना लिखा करे। वेरी गुड। दादा भैया, बड़े हो तुम्हें नीचे बुलाए हैं, तुम्हारी चिट्ठी आई है। क्या जमाना आ गया है, अंग्रेजों को ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। बाकी लोग हैं कौन, अंग्रेजों से भी नहीं डरते? सुना है जगह जगह छिपे हैं। मगर ये लोग बम बनाते कैसे हैं? हंसते बोलो, पुलिस वाला सुन लेगा। किसकी चिट्ठी? शरद की जी। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारी चिट्ठी माँ ने पढ़ी, दीदी ने पढ़ी, यहाँ तक कि बुआ जी ने पढ़ी, सबने तुमको बंदर कहा। फिर कभी इस तरह की गंदी बातें मत लिखना, मुझे लाज आती है। छी, जी हाँ, इसीलिए तो भाई साहब ने भेज दिया,
सावन का मेला है, चंद्रा भी आई है, अगर बहू भी दो चार दिन के लिए आ जाए तो। कैसी बातें करते हैं, बहू आपकी है, जब चाहे ले जाइए। अरे अरे ये क्या कर रही है तू, जरा संभाल कर डाल, नहीं तो गरम तेल ऊपर छलक जाएगा। अरे धीरे धीरे बहू, धीरे धीरे, इसी काम की नहीं है। माँ माँ देखो देखो, तुम्हारी लाडली बहू ने कैसी भजिया बनाई है, जला के रख दी। अरे क्यों उसके पीछे पड़ गई है चंद्रा, गर्मा गर्म। दादा यहाँ होता तो वो भी खा लेता। गया कहाँ? दादा ने गया, वो पढ़ रहा है, कोई उसे परेशान ना करे। अच्छा, तभी बाबू साहब के दर्शन नहीं हुए। अरे चल तो, जरा देखे कैसी पढ़ाई हो रही है। मंदिर में कौन है, किसी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किंतु अलंकार के झंकार, अलंकार के झंकार, अलंकार के झंकार उसके कानों में गूंजने लगी। वो फिर बोला, मंदिर में कौन है? ये मंदिर में कौन है, लिखा ले। नहीं खाऊंगा। क्यों? मुझे भूख नहीं है और मैं पढ़ रहा हूँ, तंग मत कर। मंदिर में कौन है, क्या पढ़ रहा है? तेरी तो कल छुट्टी है। मंदिर में कौन है, किसने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किंतु अलंकार की झंकार, अलंकार की झंकार उसकी कानों में गूंजने लगी। वो फिर बोला, मंदिर में कौन है, मंदिर में कौन है? किसने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किंतु अलंकार की झंकार उसकी कानों में गूंजती रही। उसने फिर कहा, मंदिर में कौन है, किसने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किंतु अलंकार की झंकार उसकी कानों में गूंजने लगी। उसने कहा, सुनो तुम जो भी मंदिर के अंदर हो, मैं सशस्त्र हूँ, मैं सशस्त्र हूँ। उसने फिर कहा, आप कौन है? सुनकर पथिक ने चकित होकर उत्तर दिया, स्वर से लगता है कि तुम एक नारी हो, तुम एक नारी हो, तुम एक नारी हो। क्या हुआ? अरे ये तो गुस्से में है। तुम क्यों आई हो यहाँ? मेरी इच्छा पूछने वाले तुम कौन? मुझे पिताजी ने बुलाया। तो पिताजी के पास जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या नहीं करूं? डिस्टर्ब डिस्टर्ब, परेशान, मुझे पढ़ना है। मालूम है तुम क्या पढ़ रहे हो, खाली मंदिर मंदिर कर रहे हो। मैं जो चाहूंगा करूंगा, तुम पूछने वाली कौन हो? ठीक है, नहीं पूछूंगी। तुम मेरी कोई नहीं हो। कैसे नहीं हूँ, तुमने मुझसे शादी की है? मैं बड़ा होकर दूसरी शादी करूंगा। और मैं भूतनी बनके उसका खून पी जाऊंगी। भूतनी तो तुम हो ही। भूत की बीवी तो भूतनी होती है। देखा कैसे जवाब दिया। जब देखो झगड़ा करते रहते हो, वहां तुम्हारी चिंता में मुझे नींद नहीं आती थी। बाप रे, कितनी जोर से बिजली चमकती है। तुम झूठ बोलती हो। क्या, मैं झूठ बोलती हूँ? और नहीं तो क्या, तुम कभी मेरे बारे में सोचती भी थी? तुम्हें क्या मालूम, जब बिजली चमकती मैं कितना परेशान होती थी। सोचती तुम स्कूल जा रहे होगे, रास्ते में भीख रहे होगे, फिर कहीं बिजली चमके तो बिजली देवी का याद करना। ये कौन सी देवी है? बस नहीं, जैसा कहती हूँ करो। बातें तो बड़ी बुढ़ी की तरह करने लगी हो। अच्छा, तब मैं बुढ़ी भी हो गई? नहीं रे, ऐसी बात नहीं है। सोचा था पिताजी ने दो दिन के लिए बुलाए हैं, तुमसे मिलूंगी, बैठ कर खूब बातें करूंगी। सिर्फ दो दिन के लिए आई हो? कल हम सब मेला देखने जाएंगे और परसों मैं घर चली जाऊंगी। परसों चली जाऊंगी? हाँ, लेकिन परसों तक कोई इस बुढ़ी से बात ना करे, खबरदार। थैंक यू। मिलाद की साड़ियाँ, मैनचेस्टर की साड़ियाँ, समुंदर पार की साड़ियाँ, तरह तरह की रंग बिरंगी साड़ियाँ। आइए, यही है वैरायटी, राम की वैरायटी, चूड़ियों की दुकान। जब प्यारी प्यारी सतरंगी चूड़ियाँ, बूढ़ी बहनों जवान हो जाए, तुम्हारी बहनों की शादी हो जाए। आइए लाला जी, बीवी को पहनाइए अपनी माँ। अपनी माँ बहनों की रहने दें,
तिरंगी, ये माल विदेशी लेके इस देश में आए फिरंगी। ओ तोड़ दे चूड़ी वाले ये चूड़ियां सतरंगी, ये माल विदेशी लेके इस देश में आए फिरंगी। बरसों की गुलामी की कड़ियां हैं ये चूड़ियां नहीं हथकड़ियां हैं, ये चूड़ियां नहीं हथकड़ियां हैं। ये सरकार करेगी इन पैसों से फांसी के फंदे तैयार करेगी, देश के खेल खिलौने क्या ये सरकार करेगी इन पैसों से फांसी के फंदे तैयार करेगी। कब बिछड़ रहे हैं बेटे रुकना ठीक नहीं। एक सौ चार, एक सौ पांच, एक सौ छह, एक सौ सात, एक सौ आठ। अच्छा होता अगर पुलिस तुम्हें भी पकड़ के ले जाती। क्यों, मुझसे छुट्टी चाहती हो क्या? लगता है बहुत भीगी हो। तुम्हें क्या, तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती थी, एक अच्छी सी चीज, लेकिन नहीं दिखाऊंगी। क्या है? तस्वीर मैंने आज चंद्रनी मेले में खिंचवाई है। दिखा दो। नहीं दिखा, खबर दा दिखा ना। अरे चल, अरे ये तो अभी तक गीली है। जानते हो छत से खींच गई, बस यूं और यूं। चंद्र कितनी गोरी दिखती है ना। मालूम है वो मुझसे क्या कह रहा था? कहता था हंसो, पर मैं कैसे हंसती, मारे डर के तो पसीना पसीना हो रही थी। अरे क्या हुआ तुम्हारा कान? कान इस तस्वीर में कान कहाँ गया? हाय अब क्या होगा? मुझे दे दो। चंदा ने भी तो यही कहा था। नहीं नहीं कान कटी तस्वीर नहीं देखना चाहिए। छी मैं फिर से कान लगा दूंगा। लगा सकोगे? कैसे? जादू से। सच? रहने दो, मैं नहीं देती। दे दो नहीं तो पाप लगेगा। हाँ पाप लगेगा, बारिश में भीगी हो बुखार भी आ जाएगा। यही तो तुम चाहते हो। हाँ हाँ मुझे सब मालूम है, तुम चाहते हो मुझे बुखार आ जाए, मैं यही पड़ी रहूं, अपने घर ना जा सकूं, दिन रात यही तो मनाते हो, लेकिन मैं तो जाऊंगी ही।
अरे क्या हुआ? बहू तैयार हो गई? अभी आती है। चंद्रा तुम नीचे चलो, माँ मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं जा रही हूँ। पता है मुझे बुखार नहीं आया। वो भी पता है। आंखें बंद करो। क्यों? कहा ना आंखें बंद करो। ये लो। क्या है? सोचा था नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हारी सूरत पर तरस आ गया। चलती हूँ। सुनो। क्या? अब फिर कब आओगी? मैं क्यों, अब कभी नहीं आऊंगी। दुर्गा पूजा पर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन? अरे मैं हूँ भाई। अरे ये क्या शक्ल बना रखी है? तन दुबला दुबला, बाल बिखरे बिखरे, आंखों के नीचे कालिख, तुम्हारी हालत किसने की बालक? समझ गया, समझ गया। वो छलना मई नारी जिसने कहा था कि आएगी किंतु आई नहीं, वचन दिया था परंतु निभाया नहीं, विश्वासघात किया, हृदय पे आघात किया। वुमन थाय नेम इज धोखा। वो आईना है, मुझे क्या फर्क पड़ता? बैराग की निशानी। मैंने तो नहीं कहा था कि दुर्गा पूजा पर आओ। जब आना नहीं था तो फिर वायदा क्यों किया? ऐसी बातों से तो किसी के नेचर का पता चलता है। सत्य वचन। अरे ये क्या, तुम नसवार लेते हो? धीरे बोलो, अगर तुम्हारे पिताजी को पता लग गया तो छींक आने से पहले ही मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी ट्राई करो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। अरे इसमें क्या, ये तो तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। जरा सी अंदर सारे दुख दर्द बाहर, और विरह की अग्नि समंदर में। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते सारे गांव के तीन चक्कर लगा बैठा। क्या हुआ? क्या हुआ? आज विजयदशमी है, घर में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बड़ों के पैर छूकर मिठाई नहीं खानी क्या? चलो चलो डूड। अरे चलो भी। अरे कहाँ थे तुम लोग, हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। जीते रहो। जरा सर को भाई मुझे भी प्रणाम करने दो। जीते रहो। देखो आज का खाना कैसा है, हमने बनाया है। मारे गए तो आज ये खाना पड़ेगा? क्यों, माता जी कहाँ गई? चौधरियों के घर, उनके यहाँ भजन है, देर से लौटेंगी। यानी आज घर में सिर्फ हम ही लोग हैं। हाँ? मतलब ये हुआ कि हम जो चाहे कर सकते हैं, पूरी आजादी है। आजादी मतलब? मतलब बताओ। ए कमल, मैं सब जानता हूँ। जानते हो क्या? क्या क्या जानते हो? मास्टर जी ने कहा है अभी हम लोग गुलाम हैं, जब अंग्रेज चले जाएंगे हम आजाद हो जाएंगे। हो सुना आपने, अंग्रेज अभी तक गए नहीं। हम लोग कुछ और बात करें। क्या?
आप काफी मोटी हो गई हैं। छी, आज के दिन कोई ऐसी बात करता है? लो भाई, अब मोटी को मोटी नहीं कहेंगे। ठीक है मोटी हूँ तो हूँ, खाया पिया मजा किया। लेकिन यहाँ कोई इंतजारे यार में सूख सूख कर कांटा हो गया है। कांटा या हाथी? ए, क्या हुआ? मुझे भूख नहीं है। अमल अमल सुन तो। आई प्रोटेस्ट, मुझे हाथी क्यों कहा? अरे सुन तो अमल, ए, अमल ओहो। अरे चलो चलो भी, आओ आओ, इतना गुस्सा किस लिए, चलो बैठ जाओ बैठ। ओफो कमाल करते हैं आप लोग, सोचे तो आज आजादी मिली है, चांदनी रात है, सब लोग मिलकर हंगामा करेंगे, और आप हैं कि मैंने क्या किया? क्या नहीं किया, एक बेचारा वैसे ही ग्रह की आग में जल रहा था, उस पर घी डालकर उसे कंप्लीटली जला दिया, बड़े कठोर हैं आप लोग। चलो चलो मेरे साथ, अरे आओ मेरे साथ। माफी मांगिए। नहीं। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। बड़े निर्दयी हैं आप लोग, पाषाण हैं। अरे आप लोगों के कारण कवियों ने बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं। लिखने दीजिए। वो गीत सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। पिघलने दीजिए। बहस क्यों करती है, इनसे कह दे कि अगर इन्हें कोई गीत आता हो तो सुना दे, फैसला हम कर लेंगे। अच्छा ठीक है सुनाइए। मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे अरे सुनो तो। जाने दीजिए ना, हम सुनेंगे, सुनाइए। अब क्या ख्वाब सुनाऊं, जिसको सुनाना था वो तो चला गया। अच्छा हुआ। हैं? मालूम हो गया गुस्सा करना आता है। अब उठो। इतना गुस्सा किस लिए? ए दिले राजा, सुनाई नहीं देता? बैरे हो गए क्या? ये क्या हो रहा है? मुझे मारोगी? सारा बदन नोच डालोगी? हाँ नोचूंगी, काटूंगी भी। मालूम है कौन काटता है? हाँ मालूम है, तभी तो तुम्हारे पीछे पीछे धूमिला थी आ गई हूँ। और कोई होता तो तुम्हारा मुंह भी नहीं देखता। लेकिन तुमने मेरी दुर्गा पूजा क्यों खराब कर दी? जब कहा था तो आई क्यों नहीं? मुझसे कह रहे हो क्यों नहीं आई, लेकिन तुमने अपने घर की लड़की को ससुराल क्यों नहीं भेजा? चंद्र यहाँ रह सकती और मैं नहीं रह सकती अपने पिता के घर। क्यों, मैं भी चली जाऊंगी। तुम फिर चली जाऊंगी? हाँ, पिताजी सबको लेके तीर्थ यात्रा पर जा रहे, बहुत दिनों तक घूमते रहेंगे, तभी तो मिलने के लिए भेज दिया। लेकिन तुम देखना, मैं वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। ऐसा मत कहो। सच कहती हूँ, तुम मेरे साथ जो बर्ताव करते हो ना, मुझे भूलोगी? हाँ भूल हो गई। अब ऐसा कभी नहीं होगा।
मैं तुम्हें छूकर कसम खाता हूँ सब झूठ है नहीं रजनी एकदम सच सच हाँ। तो बोलो तीन बार सच 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 याद रहेगा देखती हूँ कब तक याद रहेगा हमेशा याद रहेगा चलो इधर देखो क्यों थोड़ा सा मुस्कुरा नहीं मुस्कुराती जाओ गंदे जरा सा ये देखो सामने जी की चिट्ठी आई है लिखते हैं पूर्णमासी के दिन आकर चीनी को साथ लेते हुए तीर्थ यात्रा को निकल जाऊंगा पूर्णमासी तो कल ही है तो ब्रदर आज की रात तो आखिरी रात है जी हाँ फिर क्या करने का इरादा है करूंगा क्या एक इच्छा थी मन में हाँ हाँ लेकिन अरे बोलो बोलो मेरे रहते हुए डरते क्या हो तुम नहीं मेरा मतलब है क्या मतलब रजनी कह रही थी क्या 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 कह रही थी कि आज चांदनी रात है हाँ अगर हाँ हाँ बोलो बोलो हाँ 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 बस इतनी सी बात है अरे अभी चक्कर चलाता हूँ अरे इतनी नसवार क्यों ले रहे हो अरे ये अलादीन का चिराग है अरे नहीं बस करो ये देखो चमत्कार क्या हुआ अरे पहले दरवाजा बंद करो चल लेकिन क्यों बात क्या है पहले दरवाजा बंद करो मेरी बात ये चक्कर क्या बात मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सीधा अपनी अपनी किस्मत है किसी के लिए चांदनी रात और किसी के लिए मच्छर सुनो क्या नहीं तुम हंसोगे नहीं हंसूंगा मैंने सरसों का साग बनाना सीख लिया है सच तो फिर बनाया क्यों नहीं कैसे बनाती माँ मुझे बनाने कहाँ देंगी बाद में बनाऊंगी कब कभी एक दिन जब यहाँ कर रहूंगी Ya
यहाँ आके रहने को तुम्हारा दिल चाहता है चीनी? और क्या चाहता है? क्यों बताओ? बताओ ना। यहाँ आऊंगी, रहूंगी, माँ की तरह खाना पकाऊंगी, सारा घर अपने हाथों से सजाऊंगी। अरे हाँ, तुम मुझे एक बड़ी सी कॉपी ला के देना। बड़ी सी कॉपी? हाँ, फोटो लगाने को। घर के सारे लोगों के फोटो उसमें सजा के रखूंगी। लाओगे ना? जरूर लाऊंगा। कितना अच्छा लगेगा जब हम सब बड़े हो जाएंगे तो देखा करेंगे, पिताजी, माँ, कमल, तुम, मैं। मास्टर जी का कोई नाते रिश्तेदार नहीं है, परसों से वो हमारे ही घर में रहते हैं।
सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आगी बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं जी को ले जा रहे हैं कहाँ मालूम नहीं पिताजी नीचे बुला रहे हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आपके घर में एक ऐसा आदमी टेररिस्ट राजद्रोही मिल गया सर इसके अंदर रखा था चलिए बक्सा लाओ सर इसका क्या करूं उसको फेंक दो वो मुझे दे दीजिए अमन कमल मास्टर जी को प्रणाम करो बेटे
तो अब हम लोग चले, गाड़ी का समय हो गया है। जी अच्छा। सुनो, आज रात इसे पानी में फेंक देना। क्या है इसमें? चीनी? चलती है। निकल गया। वो है कहाँ? क्या पता, होगी यहीं कहीं। यात्रा से लौटकर रजनी यहां से होकर ही अपने मैके जाएगी अगली 17 को, यानी परसों। जी हाँ परसों। आहा, क्या मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। नहीं नहीं शर्माओ नहीं। मगर एक बात याद रखना। क्या? उनको सजा देनी होगी, उनका घमंड तोड़ना होगा। राजी? गुड। वो आएंगी तुम मुंह घुमा लोगे, वो बात करेंगी तुम चुप रहोगे, वो रोएंगी तुम उनके आंसू नहीं पहुंचोगे। नहीं, आहा क्या नजारा होगा है? चांदनी रात, वो सुंदर कपड़ों में सजी हुई नई नवेली दुल्हन की तरह सहमी सहमी चली आ रही है तुम्हारे कमरे की तरफ। छम छम छम।
क्यों जी, कैसे हैं आप? क्या देख रहे हो, अपनी पत्नी को पहचानते नहीं? तुम कितनी बदल गई हो। सभी बदल जाते हैं, तुम नहीं बदले? लड़कियां कुछ ज्यादा ही। चंद्रा को ले लो। वाह, उनके उनके तो होने वाला है। किसने कहा? माँ ने। ए, जरा खड़े तो हो जा। क्यों? देखूं, मैं तुम्हारे कंधे तक पहुंच पाए कि नहीं। तीर्थ यात्रा के बाद बड़ों के पैर छूना चाहिए, और फिर तुम तो मेरे पति हो ना। तुम इतनी सी बड़ी हो गई हो। चंद्रा कह रही थी कि तुम जरूर पास हो जाओगे। लगता तो है। और उसके बाद कॉलेज में पढ़ने जाओगे? हाँ। वहां तो लड़कियां भी पढ़ती हैं। हाँ। बड़ी बड़ी लड़कियां। हाँ। लेकिन तुम उनसे नहीं मिलोगे। क्यों? क्या होगा मिलने से? वाह, फिर मैं कहाँ रहूंगी? ठीक है, नहीं मिलूंगा। याद रहेगा ना? क्या लिख रही हो? तुम ही बताओ। र ज नी। और कोई नहीं, कोई नहीं। जानती हो, अब मैं ठीक से सोना सीख गई हूं। अब मेरे पैर तुम्हारे बदन में कभी ही नहीं लगेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों? इतने सुंदर पैर और मुझसे दूर। हटो। कहो चीनी। हाँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। हमेशा? हाँ, हमेशा। सच सच कह रही हो चीनी? हाँ हाँ, सच सच कह रही हो? हाँ, सच। कभी तुम मुझसे दूर नहीं रहोगे? नहीं। कभी नहीं? नहीं नहीं नहीं। सारी जिंदगी मेरे पास रहोगे? हाँ, सारी जिंदगी। सारी जिंदगी मेरी होकर रहोगे? हाँ हाँ। जिंदगी में कुछ भी हो, कोई भी तूफान है, तो हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरी होकर रहोगे, सिर्फ मेरी। कुछ भी हो, कोई भी तूफान आए, मैं तुम्हारी रहूंगी, हमेशा तुम्हारी। बड़े अच्छे लगते हैं।